बुरहानपुर के बहादुरपुर रोड स्थित होटल उत्सव में पोषण जागरूकता, बाल अधिकार, महिला सुरक्षा, सोशल मीडिया व आंचलिक पत्रकारिता पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने तथा अजय सेतिया सहित भोपाल के वरिष्ठ मीडियाकर्मी व भाग लिया। बुरहानपुर और खंडवा के मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी ने मन का पोषण, बुद्धि का पोषण और शरीर का पोषण विषय पर वक्तव्य दिया। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत किया गया। बाल अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया ने कार्यशाला को संबोधित किया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के महिला अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती आशा शुक्ला महिला सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वतंत्रता या स्वच्छंदता विषय पर बंसल न्यूज मा प्रा के रीजनल हेड शरद द्विवेदी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के मास कम्युनिकेशन विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ सोनाली नरगुंदे सत्र को संबोधित किया। आंचलिक पत्रकारिता संभावनाएं व चुनौतियां विषय पर दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, मीडिया केंद्रित समागम पत्रिका के संपादक मनोज कुमार और स्वतंत्र मत जबलपुर के भोपाल ब्यूरो प्रमुख प्रेम पगरे वक्तव्य दिया। यूनिसेफ की श्रीमती पुष्पा अवस्थी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर संचालक सुनील सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में ऐसे व्यंजन रहेंगे जो स्थानीय खाद्य पदार्थ व पोषण परिपूर्ण होने के बावजूद आम जनमानस की भोजन की थौली से दूर होते जा रहे उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रदर्शित की गई। पेश है जिला बुरहानपुर से रेखा लहासे की एक रिपोर्ट। पहुंचाऊंगी सही भोजन का अर्थ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलूंगी। किशोरों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देती हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर बच्चे तक सही भोजन का संदेश पहुंचाऊंगी। सही भोजन का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और कम है, तो एनीमिया को हमें बहुत तेज गति से और पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना इम्प्रूवमेंट हमारे एनीमिया के लेवल्स में होना चाहिए था उसकी तुलना में हम भी बहुत पीछे हैं। तो 58% एनीमिया से 10 साल में कम होकर हमारा एनीमिया 54% ही पहुंचा है। या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसमें गति इम्प्रूव हो और हमारे बीच में हमारी यूनिवर्सिटी बहन देना पड़ेगा। जो बनता है वो एक थाली में रखकर भगवान के आगे रख दे, सारे घर को खिला दे, फिर अंदर भगवान के आगे रखी खाली थाली खुद खा। एक गांव में केवल इस प्रैक्टिस से हमने महिलाओं का कुपोषण इम्प्रूव किया है। और एडोलेसेंट लड़की केवल 1000 डेज नहीं, वी हैव टू गो मच बियॉन्ड। अगर एडोलेसेंट लड़की अगर एनीमिक है तो एडोलेसेंट लड़की अगर एनीमिक है तो मां बनने पर बच्चा कमजोर ही होगा।